आज हम बनाने जा रहे हैं बटर मसाला कलेजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला तमाम देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। खदीजा किचन में वेलकम है आप सबका। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा करें ताकि आपको रेसिपी की अच्छी समझ आ जाए। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से वीडियो को वॉच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखने को मिले। थैंक यू। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कलेजी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। यहाँ पर मैंने हाफ के जी जो है चिकन की कलेजी ले ली है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पर मैंने 2 अनियंस लिए थे, इनको मैंने अच्छे से जो है इनका एक पेस्ट रेडी कर लिया है। यहाँ पर मैंने 3-4 जो है ग्रीन चिली ली थी, इनको लेयर में कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने 3-4 जवे लिए थे लहसुन के, इसको बारीक सा मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पर हमने ले लिया है 100 ग्राम योगर्ट ले लिया है, 2 टोमेटोज़ प्यूरी ली है मैंने, और यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है। तो गैस यहाँ पर मैंने 1/2 कप जो है कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है इसमें। अब ऐड करते हैं अनियन। तो गैस अनियन हमने ऐड इसमें कर दिए हैं, एक लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए फिर हम इसमें अपने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जब हल्का सा अनियन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो हम इसके साथ ऐड कर देंगे लहसुन के जो हमने जवे कट करके रखे हुए थे वो ऐड कर देते हैं। इससे एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ जाती है कलेजी में। तो गाइस अनियन का जो है लाइट सा कलर आप देख सकते हैं चेंज हो गया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करते हैं। पेस्ट ऐड कर दिया है, ग्रीन चिली भी साथ में ही ऐड कर दी है। इनको 2-3 मिनट के लिए हम भून लेते हैं, फिर इसमें हम अपनी कलेजी ऐड करेंगे। तो गाइस इसमें मैं बटर ऐड करूँगी, तकरीबन 2-3 टेबल्स तक ये इतना बन जाता है, इतना मैं ऐड करूँगी, 50 ग्राम के करीब ये है। तो बटर व्यूअर्स देख सकते हैं आप, मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम ऐड करते हैं इसमें कलेजी, और कलेजी को हम इसी ऑयल में अच्छे सा फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस यहाँ पर कलेजी हमारी फ्राई हो रही है, जितनी देर तक हमारी कलेजी अच्छे से फ्राई हो जाती है, अपना कलर चेंज कर लेती है, तब तक हम अपने योगर्ट में बाकी के स्पाइसेस सारे जो है वो ऐड करते हैं। तो गाइस इसमें हम अपने स्पाइसेस ऐड करते हैं, 1 टीस्पून गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर मिक्स है ये। 2 टीस्पून में इसमें ऐड करूँगी कलेजी मसाला, ये बहुत मज़े का इसमें लगता है। अगर आप ये स्किप करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं, ऑप्शनल सॉरी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, क्योंकि जो इसका मसाला है उसमें भी ऐड होता है, कलेजी मसाले में भी। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं दही में। मिक्स हो चुके हैं स्पाइसेस, आप देख सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कलेजी हमारी अच्छे से जो है फ्राई हो चुकी है। अब इस टाइम पर हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। तो टमाटो प्यूरी ऐड कर दी है हमने, पहले हम इसमें ऐड नहीं करेंगे ताकि कलेजी हमारी बहुत ही अच्छे से जब फ्राई हो जाएगी फिर हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि टमाटोज़ जो है अपना पानी छोड़ देते हैं। तो अब हम दही के पानी में और टमाटोज़ के पानी में ही इसको कुक करेंगे मज़ीद। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो चुकी है, जिंजर गार्लिक पेस्ट और अनियन में ये बहुत ही मज़ेदार से इसका टेस्ट आता है, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली जो है फ्राई नहीं किया। एक तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, और दूसरा जिंजर गार्लिक पेस्ट के ऑयल में ही अगर आप इसको फ्राई करते हैं तो बहुत ही मज़ेदार इसका जो है टेस्ट बनता है। आप बकरा की कलेजी और बड़ी कलेजी भी इसी तरह से बना सकते हैं, सेम इसी मेथड से बन सकती है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं अपने स्पाइसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब टमाटो और स्पाइसेस योगर्ट का जो है पानी, योगर्ट पे आपको पता है पानी थोड़ा सा छोड़ देता है, तो इसी में हम दम पर इसको पकाएंगे, हम इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे। अगर आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप पानी ऐड कर सकते हो, और अगर आप बिल्कुल मसाले वाली बनाना चाहते हैं तो फिर आप पानी नहीं ऐड करेंगे। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे और फिर हम इसको दम पर रख देंगे 20-25 मिनट के लिए। इसमें जस्ट मैं जो मसाले वाला थोड़ा सा है, जैसे कि आप देख सकते हो बॉल में मसाला लग गया, इतना सा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दूंगी ताकि हमारा मसाला सारा वेस्ट ना हो। एक तो हमारा मसाला भी वेस्ट नहीं होता, और दूसरा बिल्कुल थोड़ा सा मैंने आप देख सकते हो इसमें पानी ऐड किया, हमारे जो स्पाइसेस हैं वो कच्चे भी नहीं रहते,
उनकी जो उनका जो कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए भून लेती हूँ, फिर मैं इसको दम पे लगा दूँगी। तो गाइस यहाँ पर तीन से चार मिनट हो गए हैं, इसको अब मैं दम लगाने लगी हूँ। तो इसको हमने 20-25 मिनट के लिए दम लगा दिया है, दिखाते हैं आपको। तो गाइस फाइनली हमारी कलेजी बनके रेडी हो गई, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार बनी है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बटर कलेजी, मसालादार कलेजी हमारी बनके रेडी है। बताइएगा आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी, और दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।